नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता है यूट्यूब चैनल। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के लिए एक लंबे अरसे से सुरक्षित रही है। कभी इसी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। अखिलेश के बाद इसी लोकसभा सीट से डिंपल यादव ने यूपी की राजनीति में एंट्री मारी थी। 23 साल बाद एक बार फिर से कन्नौज लोकसभा सीट पर भाजपा की एंट्री हुई है। यूपी की सीट पर सपा ने हमेशा ऐसे ताना बाना बुना कि दूसरी पार्टी उसके इस दुर्ग को भेद नहीं पाई थी। इस बार खुद यहां से चुनाव लड़ने की शुरुआती घोषणा के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा से गठबंधन होने के बाद पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारा था। वह इस सीट को डिंपल के लिए सबसे सुरक्षित मान रहे थे। सपा के इस दुर्ग को भेदना असंभव था, लेकिन मोदी के राष्ट्रवाद ने न सिर्फ भेदा बल्कि बुरी तरह रौंद कर रख दिया। आपको बता दें, डिंपल यादव अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद 2014 के उपचुनाव में निर्विरोध जीतने वाली डिंपल को यहां 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के सुब्रत पाठक से कड़ी टक्कर मिली थी। इस बार डिंपल और सुब्रत के बीच कांटे की टक्कर रही। कभी सुब्रत आगे तो कभी डिंपल कुछ हजार वोटों के अंतर से आगे रहीं। एक बार सुब्रत पाठक की बढ़त के बाद सपा के खेमे में गम की लहर दौड़ गई। देर रात डिंपल यादव ने हार स्वीकारते हुए एक ट्वीट भी किया था। इस बार सुब्रत ने उन्हें पटकनी देकर एक बार फिर कन्नौज की सीट पर भगवा लहरा दिया। कन्नौज संसदीय सीट पर अब तक 16 चुनाव हो चुके हैं, इसमें 2 उपचुनाव भी शामिल हैं। इस चुनाव में सबसे ज्यादा 7 बार समाजवादी पार्टी को कामयाबी मिली। भाजपा यहां सिर्फ एक बार 1996 में जीती थी। बसपा ने इस सीट से कभी जीत का जायका नहीं चखा। इस बार जीतकर भाजपा ने इतिहास रच दिया। आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज, डेक्स की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।